पुंछ में एक ज्वेलरी शॉप के अंदर काम करने वाले स्टाफ ने ही की ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी। जी हां दर्शकों, ये जो वारदात है पुंछ के अंदर हुई है और इसमें आपको बताते चले, एक ज्वेलरी शॉप के अंदर काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने उसी ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है वो चोरी की है और फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको हिरासत में जो है वो भी ले लिया है। पूरी जानकारी आपको बताते चले, ये जो पूरा मामला है पुंछ से सामने आ रहा है जहां पर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है वो चोरी हुई है और FIR जो है, अगर मैं बात करता चलूँ, FIR जो ज्वेलरी शॉप के ओनर हैं उनकी तरफ से जो है वो दर्ज की गई है, जिनका नाम इंद्रजीत सिंह जो कि सन ऑफ गुरबचन सिंह हैं और वार्ड नंबर 10 पुंछ सिटी के जो है ये रहने वाले हैं और इनकी एक ज्वेलरी शॉप थी जो कि पुंछ के अंदर है और वहां पर जब ये रात को ज्वेलरी शॉप जो है वो बंद करके जाते हैं और सुबह जब ये वापस आते हैं तब ये सामान सभी चेक करते हैं, स्टॉक देखते हैं और उसमें ये पाते हैं कि ज्वेलरी का कुछ सामान जो है वो मिसिंग है और उसके बाद इनकी तरफ से जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है FIR दर्ज की जाती है और उसके बाद जो है पुलिस भी इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है और कई प्रयास के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद कड़ी मेहनत के बाद ये पता चला कि उस शॉप के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा था उसी के द्वारा जो है इस चोरी को जो है वो अंजाम दिया गया। जी हाँ, और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी सामने आ चुकी है और ये मामला अगर FIR नंबर की मैं बात करता चलूँ, FIR नंबर 89/2023 अंडर सेक्शन 379 RPC के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया था और फिलहाल जो एम्प्लॉय इस शॉप के अंदर काम कर रहा था उनका नाम जो है किनकार जना जो है वो बताया जा रहा है और इनका ये वेस्ट बंगाल के जो है वो रहने वाले थे और पुंछ में एक ज्वेलरी शॉप के अंदर काम कर रहे थे जहां पर इन्होंने खुद जो है उसी ज्वेलरी शॉप में जहां ये काम कर रहे थे इन्होंने चोरी की वारदात को जो है वो अंजाम दिया और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने जो है इनको हिरासत में भी ले लिया है और जितना सामान जो गोल्ड की ज्वेलरी जो इन्होंने चोरी की थी वो भी फिलहाल पुलिस द्वारा जो है वो रिकवर कर ली गई है और ये पूरा अगर हम बात करें पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है SHO पुंछ जो कि जावेद मनहास हैं उनकी तरफ से जो है उनकी सुपरविजन में जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई और उसमें बड़ी कामयाबी मिली। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस को और पुंछ पुलिस को शुभकामना मैं यहाँ पर देना चाहूँगा क्योंकि लगातार ऐसी कई सारी वारदातें होती हैं लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिवली उसके ऊपर काम करती है और ये जो वारदात है पुंछ के अंदर जो है वो सामने आई है जहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप के अंदर काम करने वाले एक स्टाफ ने ही उस ज्वेलरी शॉप के अंदर जो है चोरी को अंजाम दिया और फिलहाल पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और तमाम चोरी का सामान भी जो है रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ, नमस्कार।